मोदी जी, ये आइडिया आपके दिमाग में बहुत अच्छा आया, नहीं तो ये कमाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। राहुल, ऐसे कैसे नहीं हो पाती? मुझे तो याद था कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भरपूर मिठाई बिकेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठाई की दुकान खोल ली। अब देखो अच्छी खासी मिठाई बिक रही है। लेकिन मोदी जी, इस दुकान को कम से कम मेरे घर के सामने तो नहीं लगाते? आपने तो मेरे घर के सामने ही मिठाई की दुकान को खोल दिया, ये कोई बात है? बहन मायावती जी, 2-3 दिन की बात है, हम इस मिठाई की दुकान को स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद तक खोलते हैं। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन तक अपने घर के सामने इस मिठाई की दुकान को खोल लेने दो। लो एक लड्डू खा लो, लो। और बहन मायावती जी, आपने तो अपनी झोपड़ी के ऊपर तिरंगे झंडे को लगा दिया। अरे राहुल जी, एक बात बताओ, स्वतंत्रता दिवस का मौका हो और घर पे तिरंगा झंडा ना लगाओ, ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। लेकिन मोदी जी, सुबह से शाम होने को जा रही है, कोई ग्राहक मिठाई लेने के लिए आ ही नहीं रहा जबकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है। अखिलेश और योगी जी चले आ रहे हैं अपनी दुकान की तरफ। मोदी जी, जलेबी क्या राइड बेच रहे हो? जलेबी का राइड बताना जरा। मोदी जी, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, राइड सही बताना मिठाई का। योगी जी, कैसी बात करती हो, इस जलेबी को ले लो, तुम भी राइड की बात करती हो, जो मन हो वो पैसे दे देना, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, किसी से कोई मोल भाव नहीं करूंगा। चलो मोदी जी, 1 किलो जलेबी दे दो, ताजी ताजी। आपके सामने रखी हुई जलेबी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोल के दे दो, जल्दी खा लूं। अच्छा लालू जी, एक बात बताओ, आप मेरे घर की मिट्टी की कच्ची दीवार पर आकर बैठ जाते हो, किसी दिन ये कच्ची दीवार गिर जाएगी? बहन मायावती जी, कोई मैं हमेशा आपकी मिट्टी की कच्ची दीवार पर थोड़ी बैठूंगा। जब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी आपके घर के सामने दुकान खोले हुए है, तब तक बैठ रहा हूँ मैं, फिर थोड़ी बैठूंगा। अच्छा मोदी जी, एक बात बताना, ये जो बर्फी है ताजे दूध की, प्योर दूध की बनाई हुई है, अगर बर्फी अच्छी हो तो आधा किलो बर्फी दे दो। अखिलेश, तुम भी अजीब बात करती हो, ये देखो जो बराबर में लालू जी बैठी हुई है, इन्हीं की भैंस का हम ताजा दूध लेते हैं इस बर्फी को बनाने के लिए, समझे? बिल्कुल ताजी बर्फी है, ले लो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, अब साइकिल के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा, तुमने इतने दिन से मेरी साइकिल ठीक नहीं की। देखो मैं मोदी इंस्पेक्टर जी को बुला लाया, अब मैं बात नहीं करूंगा, यही तुम्ही से बात करेंगे। स्मृति ईरानी जी, आपने तो राहुल जी के साथ ये पार्टनरशिप में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली है। चलो राहुल जी सही नहीं काम करते, कम से कम आप तो सही से काम किया करो। पहली बात अखिलेश जी, एक बात बताओ, अगर आपकी साइकिल रिपेयरिंग में थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया तो आपको मोदी इंस्पेक्टर जी को बुलाने की लाने की क्या जरूरत थी? आप 4 साल पहले ही तो इस साइकिल को हमारे पास रिपेयर करने के लिए दे गए थे हमारी दुकान पर। स्मृति ईरानी जी, 4 साल कम नहीं होते साइकिल को रिपेयर करने के लिए, साइकिल तो 2 दिन में रिपेयर हो जाती है, 1 दिन में रिपेयर हो जाती है सही तरीके से। लेकिन ये अखिलेश आपकी और राहुल जी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर साइकिल रिपेयर करने के लिए 4 साल पहले दे गए थे, तुमने इसकी साइकिल को रिपेयर करके दिया ही नहीं, आज ये मुझे बुलाकर लाए। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, एक बात बताओ, ये अखिलेश जी की साइकिल इतनी ज्यादा पुरानी है, हम तो ये कबाड़ा समझते थे, इसीलिए इसको हमने कभी रिपेयर करने की सोची ही नहीं, और ये साइकिल देने के बाद आज तक आए नहीं, जब आए तो सीधे आपको लेकर आए, ये कोई बात हुई? देखो स्मृति ईरानी जी, तो आपकी साइकिल में नया टायर डालने के लिए लाई थी, ये देखो, आपको मोदी इंस्पेक्टर जी को बुलाने की क्या जरूरत थी अखिलेश जी? लेकिन राहुल, इस साइकिल के पीछे छुपने से क्या फायदा, तुम साइकिल के पीछे क्यों छुप रहे हो? साइकिल के पीछे क्या छुप जाओगी तुम? और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अलग हट जाओ, मैं खुद ये स्क्रू रिंच वगैरह खुद अपने साथ में लाया हूँ, अब इस साइकिल को मैं रिपेयर करके दूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, मैंने तो आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि आप यहाँ पर आकर इन दोनों से साइकिल रिपेयर करवाते, लेकिन आप तो खुद साइकिल रिपेयर करने के लिए चले आए, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगे या नहीं लगे मुझे कोई लेना देना नहीं अखिलेश, इस पुलिस में नौकरी करने से पहले मैं साइकिल रिपेयर ही करता था। इस साइकिल को रिपेयर करने के जो पैसे तुम स्मृति ईरानी जी और राहुल जी को देते, वो मुझे दे देना, इनसे अच्छी साइकिल रिपेयर ना करूं मैं तो कहना। ये बात है मोदी इंस्पेक्टर जी, तो आप ही साइकिल को रिपेयर कर दो, राहुल जी आप हट जाओ, अब साइकिल के पीछे छुपने से कोई फायदा नहीं है, तुम हटो, साइकिल को रिपेयर मोदी जी को करने दो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, एक बात बताना, ये गर्मी मुझे ही इतनी ज्यादा लग रही है या आपको भी लग रही है? मैंने तो अपने शरीर पर कुर्ता भी नहीं डाला हुआ है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। लानू जी, एक बात बताओ, हमें गर्मी क्यों नहीं लगेगी? लेकिन लानू जी, इतनी गर्मी तो आज तक नहीं पड़ी कि पेड़ तक सूख गए, अब देखो अपना लोग सूखे हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं,
छाया है ही नहीं। लेकिन क्या करें, पेड़ के नीचे बैठना जरूरी भी है, थोड़ी बहुत तो गर्मी कम हो जाती है। अरे मोदी जी, अपने गांव की गर्मी का राग गा रहे हो, जरा शहरों में गर्मी देखो, शहरों में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अपने गांव में तो फिर भी इतने पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से गर्मी कम पड़ती है। लेकिन राहुल तुम एक बात नहीं जानते, शहरों में बिजली बहुत रहती है और सब लोगों ने अपने घर पर एसी लगा रखी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ तो, ये एसी किस चिड़िया का नाम है? अमित शाह जी, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मोदी जी, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हो शहरों में सबने एसी लगा रखी, एसी किसे कहते हैं मुझे नहीं पता है। अच्छा अमित शाह जी, आपको बिल्कुल नहीं पता है? ऐसा है, एसी एक ऐसा यंत्र होता है जो कमरे को बिल्कुल ठंडा कर देता है, जैसे सर्दी के दिन होती है। लेकिन मोदी जी, अपना इतना महंगा यंत्र कैसे लगवा पाएंगे घर में, ये तो बहुत महंगा होगा। लालू जी हाँ, थोड़ा महंगा होता है, 35-36-40 हजार तक मिल जाता है एसी। तो मोदी जी, मुझे एसी लेने की क्या जरूरत है, आराम से अपने गांव की ठंडी हवाई काफी है इस गर्मी को भगाने के लिए। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये बरगद का पेड़ कैसे सूख गया? ये बरगद का पेड़ तो आज तक इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी फिर भी नहीं सूखा, अब कैसे सूख गया? योगी जी, इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही भयंकर है, बहुत भयंकर गर्मी है, जिस्म से लगातार पसीना निकल रहा है, वो तो ये गांव में बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ। तो मोदी जी, पानी तो हम भी पीते हैं, अकेले आप ही पानी थोड़ी पीते हो। मोदी जी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोई कहानी सुना दो। अखिलेश तुम्हें कहानी की पड़ी है? मुझे इस भयंकर गर्मी की वजह से सुकून नहीं मिल पा रहा है। योगी जी, ये बरगद का पेड़ तो सूख गया, ऐसा करते हैं गांव की पूरम में जो पीपल का पेड़ है वहीं पे चल के बैठते हैं, तभी इस गर्मी से सुकून मिलेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।